कारण तेरे भी मेरे भी। ये बात सही गई। दिखाना कितना अच्छा था। मंदिर के सबसे पहले दर्शन हो चुके हैं, फर्स्ट व्यू ऑफ मधमेश्वर मंदिर। तो अभी मैंने सोचा मंदिर के सामने आता हूँ यहाँ, तो इस चीज का मुझे बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पे अभी नाश्ते के लिए बैठ चुके हैं, अभी आलू का पराठा आ गया है। और आज है 28 अगस्त 2022। हम हैं यहाँ पे रासी गाँव में दीपक बिष्ट भाई के घर पे। एक बार जरा रूट मैप बता दो मधमेश्वर मंदिर पहुँचने का। अभी हमें रासी गाँव में, यहाँ से हम कहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ से 4.5 किलोमीटर गोंडार, गोंडार उसके बाद जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। हाँ। उसके बाद नानू में भी स्टे कर सकते हैं। हाँ, वो कितना आ गया? वो कितना आ गया गोंडार से? गोंडार से लगा लो 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर वो है। और फिर वहाँ से 5 किलोमीटर है मधमेश्वर, फिर वहाँ से और 5 किलोमीटर है। अच्छा, तो मतलब 3 जगह मिलेगी हमें स्टे करने की? नहीं नहीं, बीच में और जगह भी है। और भी है? अच्छा, और टोटल 16 किलोमीटर बताते हैं। दीपक भाई नहीं आ रहे हमारे साथ, बाकी विक्की भाई, अशु भाई और अनूप भाई, हम 4 जा रहे हैं सिर्फ। बाकी अब यात्रा शुरू करते हैं, पहले फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। ठीक है भाई, फिर ओके भाई, मिलते हैं। मैं आगे तक क्या हूँ? हाँ नहीं, अब कोई नहीं भाई, यहाँ तक आ गए तुम। यहाँ मैंने अपनी गाड़ी भी खड़ी कर दी है दीपक भाई के घर के बाहर, हैं चलते हैं फिर। तो अभी रांची से लगभग 1 किलोमीटर आगे तक हम अपनी गाड़ी ला सकते थे, लेकिन मैंने सोचा मैं वहीं पे रख देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे देख रेख लोग, हाँ देख रेख भी हो जाएगी और लोगों की निगरानी भी रहेगी। लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी लानी है तो यहाँ तक ला सकते हो। अक्तूलीधार एक जगह है 1 किलोमीटर आगे रांची से, वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर देना, फिर वहाँ से ये पीछे, इसके आगे रोड नहीं है, अब यहाँ से हमारा पैदल यात्रा शुरू होती है। चले फिर, हर हर कौन से गांव से हो भाई? हैं? गोंडर? बढ़िया यार, स्पीड देखो भाई की यार, खतरनाक। तो अब काफी चल के आ चुके हैं हम रांची से गोंडार तक। ऊपर नीचे ऐसा था, मतलब चढ़ाई ज़्यादा नहीं थी, सीधा सीधा और उतराई ज़्यादा थी। चलते हैं, अभी रुकते नहीं कहीं पे, सीधा गोंडार में ही थोड़ा आराम करेंगे वहाँ पे। और गोंडार वहाँ पे वो आने वाला है, और अभी तक हमें ये ट्रैकर दिखे हैं कि कम से कम 5-6 लोगों का ग्रुप है, और बाकी कोई नहीं दिखा, बाकी सिर्फ हम 4 ही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक देवी माँ का मंदिर भी है। तो अभी हम गोंडार पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे एक ढाबे पे रुके हुए हैं, चाय पी रहे हैं, और साथ में यहाँ पे मैंने रास्ते में देखे हैं होम स्टे भी हैं, तो रहने का भी इंतज़ाम है। तो अगर आप रांची में ना रुको, डायरेक्ट गोंडार आओ, तो आप ये भी कर सकते हो, और यहाँ पे आके रात को रुक सकते हो आराम से। और फिर जो मेन चढ़ाई है ना, वो गोंडार से ही शुरू है। तो अभी तक तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही ठीक ठाक रास्ता था, ऐसा कोई बिल्कुल ही ऐसा नहीं था कि आपको बहुत देर तक रुकना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा रुकना पड़ रहा है। 2-2 मिनट रुको, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और व्यू तो रास्ते में आते जाते रहते हैं। और बाकी मैं कैसे चला अभी तक, है दिक्कत तो नहीं हुई ना तुम लोगों को? है ना भाई, परफेक्ट। आपका भी अंकल जी होम स्टे रुकवाने का? ये रहने का है मेरे पास, ये ऊपर में मेरे की जाना है। अच्छा, बोर्ड अलग है? नहीं। तो ये बता रहे हैं भैया जी, हिमालयन टूरिस्ट लॉज, तो ये नीचे जाने का रास्ता है ये रूम का। और कितने कमरे आपके? 4। 4? अच्छा, 4 है, चलो बढ़िया। और लगभग कितना किराया है? सही लगभग, नहीं बता दो फिर, आते हुए रुकेंगे ना आपके यहाँ, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, हो जाता है? और आजकल भीड़ कैसे चल रही? भीड़ भी बिल्कुल कम। कौन से महीने में रहती है सबसे ज्यादा? मई जून, मई जून। अच्छा, अब सितंबर से शुरू, अब मतलब ट्रैकिंग वाले आते जाते। अच्छा, जब तक कपाट बंद होंगे तब तक चलती रहेगी। अच्छा, इसमें चाय बना रहे क्या आप? बहुत बड़ा है ये। नहीं नहीं, ये तो पानी का है। अच्छा, पानी का है। अच्छा, तो ये है। अच्छा अच्छा, क्या बात है, अरे प्यार हो तो ऐसा। क्या बात है,
अभी गोंडार से थोड़ा सा आगे आते ही हम आ चुके हैं बिंतोली में, बंतोली संगम। बंतोली संगम, ये जो अभी आपने पुल देखा होगा और ये जो नदी आ रही पूरी की पूरी उसी के सामने है। और यहाँ पर मेरा होम स्टे है। हाँ, अरे आशुतोष भाई ने आया होम स्टे खोल दे, बताया नहीं यार। आशुतोष लॉज, ये रुकना है क्या? ये रुको। अंकल जी आपका ये जी। अच्छा आपका नाम क्या है? क्या शिव सिंह पवार जी। हाँ जी। अरे धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरे को तो सारी दुनिया मिल गई बाबा। तो मैं भी जुड़ गया उसमें एक। अरे तू भी जुड़ गया, बहुत ज्यादा हो गया ना ये। बिल्कुल चारान तेरे भी मेरे भी। ये बात सही गई। चलो फिर आते हुए मिलते हैं। बिल्कुल। बाकी ये देखो अंकल जी का मोबाइल नंबर है, अगर कोई आएगा तो कॉल कर देना और आप बता देना कमरे है कि नहीं है, है ना? कमरा ये है, खाना भी है, रहना है बस। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चले फिर हम थोड़ा सा आगे। ठीक है, धन्यवाद है। धन्यवाद। हाँ हाँ, आएंगे 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 पक्का। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ बिंतोली पे भी मैंने देखा है कम से कम 3 से 4 होम स्टे हैं, तो रहने का तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप जैसे कि देख रहे होंगे सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा मिलनसार है, जैसे हमारे अनूप भाई और अशोक भाई हैं। और यहाँ पे देखो, अब देखो ये 3 किलोमीटर कुछ नहीं है, उसके बाद 3 किलोमीटर इसमें घटाओ, 5 किलोमीटर बस पहुंच जाएंगे फिर हम। यार ये तो भयंकर, पर यही पे तो इंसान गलती करता है। अब हाँ। खड़ी चढ़ाई स्टार्ट। अच्छा एक चीज सही बोल रहे, खड़ी चढ़ाई तो स्टार्ट हो रही है। हाँ। पर हम क्या सोच के चल रहे थे, मधमेश्वर जाना है। कल क्या बोल रहे थे, 20 किलोमीटर है, सुबह जल्दी उठना है। मुझे ऐसा लगा जो हमको ये लेट लतीफ हुआ ना, सही हुआ क्या? चल जाएंगे यार, नींद तो पूरी करी कम से कम। नींद भाई नहीं, कल कल हम जल्दी भी सोए और सुबह आराम से 8 बजे तक उठे। मतलब मेरा ही बोलने का मतलब है, हम ट्रैक में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे हमको ट्रैक और आसान लग रहा है। पता नहीं क्यों, ना थकान है ना कोई ज्यादा दिक्कत है। सही बात है। ये देखो एक, अब यही तो दिक्कत है, रील बनाओ फील बनाओ। ये आशु भाई को पता नहीं रील का चस्का चढ़ गया इस मधमेश्वर ट्रिप से। अभी तक तो मैंने कहा ठीक था रास्ता, और अब चढ़ाइए। अभी जितना आसान लग रहा था हो गई जरा कठिन परीक्षा स्टार्ट। ठीक है, आराम आराम से। हाँ वही, क्योंकि अब किलोमीटर कम बचे ना, तो इसलिए आराम आराम से भी जाएंगे तो 6 बजे तो पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे आज। और अभी समय कितना हो रहा है? 1:30 बज रहा है। 1:30 बज रहा है ना। हाँ तो 6 बजे तो पहुंच जाएंगे आराम से। अभी हल्की हल्की बरखा लग चुकी है इसलिए रेनकोट पहन लिया, पर रेनकोट पहन के और ज़्यादा पसीना निकल रहा है। पर एक चीज़ को देख के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हम इतनी दूर से इतनी ऊँचाई तक आ चुके हैं। वो जो बहुत सारे घर दिख रहे हैं वहाँ पे, वो है गोंडार गांव, जहाँ पे हम रुक के चाय पी रहे थे वो वाला, वहाँ से हम यहाँ तक आ चुके। देखो अभी तक भी ऐसी कोई बहुत ख़तरनाक थकानी लगी है, धीरे धीरे चल रहे आराम से। और अब बारिश भी हल्की हल्की कम हो चुकी है, तो रेनकोट भी हम निकाल ही देंगे। जय भोले, जय शिव शंकर, जय। दे दोगे? चले गए लॉलीपॉप लेके। अभी हम खटारा खाल में खाना खा रहे हैं, और खाने में यहाँ पर बना है कड़ी, यानी कि क्या बात है यार, स्वाद आ गया कसम से। करेले के पत्तों की सब्जी और चावल, इसको गढ़वाली में सौंलो क्या बोलते हैं, सौंले की सौंले। सौंलो बस एक चीज की कमी रह जाती है, वो किस चीज की कमी रहती है, हरी मिर्च की, वो मैं लेके आता हूँ। ठीक है, देख लिया था इसने, बहुत देर से देख रहा था, ढूंढ रहा था, पर सच में कड़ी देख के ना मजा ही आ गया। भाई सोच सकते हैं कि कितना टेस्टी खाना रहा होगा, अगर सच में आदमी प्लेट चाट सकता है तो। अंतर ये है कि इसने जीभ से चाटा है और मैंने उंगलियों से। हाँ, पर सबने अपनी खाना हो गया ये पूरा, एक दाना नहीं है चावल का, दाना नहीं है। और ये देखो बरखा भी शुरू हो चुकी है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या, क्योंकि तेज हो रही है। करे तो करे क्या, जाए कि न जाए, मतलब ऊपर कब जाए? ऊपर ऊपर तो भगवान जब बुलाए। बाय बाय बाय, टाटा, वेलकम, आपको भी थैंक यू खाना खिलाने के लिए। अब इसी बारिश में निकल चुके हैं, क्योंकि अब पहुंचना भी है तो फिर निकलना तो पड़ेगा ही। दिखते दिखते हम नानू पहुंच गए थे, और यहाँ पे हमने रुक के थोड़ा चाय पिया है, और अब जाके थोड़ी बारिश कम हुई है और अब मौसम खुल चुका है बढ़िया करके। लेकिन एक दिक्कत हो गई कि जूते भीग गए हैं पूरे के पूरे, अंदर से भी बाहर से भी।
है कमरे यहाँ पे? तो यहाँ पे नानू में आप ही गए या और भी है यहाँ पे? एक ही। अच्छा एक ही है। तो कितने कमरे आपके पास? तीन कमरे। अच्छा है कमरे अभी? पहले तो हम सोच रहे थे कि नानू में रुक जाएंगे, लेकिन हम बारिश बंद हो चुकी है तो सोच रहे हैं अब ऊपर ही चलें। ठीक है भैया, धन्यवाद, बड़ा अच्छी चाय थी। अब अपना रेनकोट रख देता हूँ बैग के अंदर दोबारा वापस। अभी मैं पैक करने की बात कर रहा था अपना रेनकोट, और तभी फिर से बारिश आने लग गई। उस पहाड़ी में देख सकते हो आप, वहाँ से बारिश आ रही है बहुत तेज़, और यहाँ पर अभी हल्की हल्की बारिश होने लगी है। आवाज़ हल्की हल्की आ रही होगी टीम के ऊपर। आपको आगे लगाओ बढ़िया करके बैग, इसमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसा किसी ने गले लगा रखा होगा। अब यहाँ पर पूरे बुग्याल शुरू हो चुके हैं नानू के बाद, और यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं, अगर हल्का सा भी पैर फिसला या कुछ चक्कर वक्कर आए तो सीधा नदी में पहुँचोगे आप, जिसका नाम है मधुगंगा। ये नज़ारे भी देख लीजिए आप, और साथ में अभी एक पत्थर दिखाया हमें, पता नहीं किस शेप का बना हुआ है ये और किस तरीके से बन चुका है या बनाया गया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम एक और पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, मैखम्बा। ये पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मैखम्बा, और यहाँ से अभी मंदिर मधमेश्वर मंदिर है लगभग 4 किलोमीटर। अभी 8 बज रहे हैं और अब बस पहुंचने वाले हैं हम। बीच में हल्का सा एक झरना आ गया था, छोटा सा झरना, और अब लगभग 1 किलोमीटर से कम ही बचा है, और विक्की भाई ने लास्ट 3 किलोमीटर से मेरे बैग पकड़ रखा है। मंदिर के सबसे पहले दर्शन हो चुके हैं, फर्स्ट व्यू ऑफ मधमेश्वर मंदिर, बहुत सुंदर। और देखो होम स्टे भी स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से, तो चलते हैं देखते हैं कहाँ मिलता है रूम। तो अभी रूम के अंदर आ चुके हैं हम, और ये देखो ये हमारा रूम है, और साफ़ सुथरा भी है सबसे बड़ी बात, और वो वॉशरूम है वहाँ पे। वॉशरूम का दरवाज़ा अभी तक देखा नहीं हमने कैसा है, लेकिन रूम की कंडीशन बहुत ही सही है, है ना, कोई ऐसा नहीं है कुछ स्मेल है या कुछ भी। इतना चलने के बाद ऐसा रूम मिल जाए, है ना, काफ़ी है सच में। एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे ट्रैक करने के बाद बॉडी को रिलैक्स करने के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, वरना कल सुबह उठने में बहुत दिक्कत होगी, यानी कि कल सुबह जो मसल्स होती है ना उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हम, मेरे तो कमर और पीछे पीछे सब थाई सब जाम हो चुकी है, तो इसलिए मेरे को तो खास कर जरूरत है। ऐसा करने के बाद बढ़िया नींद आएगी, तो बढ़िया नींद आएगी तो कल सुबह बढ़िया होगी। और सुबह भी हमें 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना है, तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं वैसे तुम तो। चलो भाई तो अभी बाकी सब खाना खाने जा चुके हैं, और मैंने तो सिर्फ चाय पी है, कोटद्वार से ला रखा हूँ मैं, बिस्किट मम्मी ने दिए थे तो कम से कम 10 बिस्किट खा गया हूँ मैं, और इसी से मेरा पेट भर गया। और पता नहीं मन नहीं कर रहा था दाल सब्जी खाने का, क्योंकि दिन में कड़ी चावल मैंने इतना ज़्यादा खा दिया था ना, वो इतना स्वादिष्ट हो रहा था कि मैंने 3 बार लिया है वो, और चौथी बार लेने का भी मन कर रहा था, लेकिन इसलिए लिया कि कहीं वो ये ना बोले कि भाई अब ख़त्म हो चुका, या फिर ये भी लग रहा था मुझे कि मैं चल ना पाऊँ। और बाकी यहाँ पे जो रूम है इनका हिसाब ये है कि मतलब मुझे बहुत सी चीज़ लगी है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता है कि मधमेश्वर मंदिर की जो बिल्कुल सामने वाला होटल है उसमें पहले लोग आएंगे, वो जैसे भरेगा फिर उसके बाद जो होटल है उसमें लोग आएंगे, फिर उसके तीसरा चौथा, तो ऐसे ऐसे जब धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो लाइन बाय लाइन लोगों को होटल मिलते जाएंगे, ऐसे नहीं है कि तुम कहीं भी चले जाओ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, मतलब जितने भी यहाँ होटल वाले हैं सबको पता भी रहेगा कि हाँ भाई उसका भर गया तो अब लोग यहीं आएंगे। और बाकी रही आज पूरे जर्नी की जो एक समरी बताऊँ, तो पूरा ट्रैक मेरा मतलब बहुत ही अच्छा निकला है, जितना मैंने सोचा हुआ था उससे तो थोड़ा बेटर ही निकला है। लगभग 12 किलोमीटर तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके बाद जो लास्ट के 4 किलोमीटर थे उसमें मेरी हालत मतलब मेरे पैर जाम होने लग गए थे, तो फिर मैं ज़्यादा चल नहीं पा रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, बहुत धीरे धीरे, पहले भी धीरे चल रहा था लेकिन उसके बाद तो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। तो फिर उससे इन लोगों को भी दिक्कत हुई, क्योंकि ये लोग तो अगर हम 10 बजे चले थे और हम 9 बजे पहुँचे रात के, तो उस हिसाब से तो इनको करीबन 5 या 6 बजे पहुँचाना चाहिए था। तो मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ, क्योंकि विक्की भी बहुत अच्छा चलता है, तो मेरी वैसे करीबन 4 घंटे ज़्यादा लगे, और मेरे को ये भी था कि चलो कोई नहीं मैं आराम से ही चलूँगा क्योंकि होटल मिल जाने ऊपर अब, क्योंकि रश बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ का मुझे बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से इन लोगों पर धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, और उस वजह से ये लोग थक भी रहे थे। और बाकी रही बात इस रूम की, तो ये कमरा जो अभी हमने लिया है ये डॉर्मेट्री के हिसाब से लिया हमने, तो हमको 300 पर पर्सन पड़ा ये, क्योंकि हमें पता था कि इसके बाद तो कोई आएगा नहीं, और अगर ये हम रूम पूरा का पूरा लेते तो ये हमें 2000 का पड़ता, तो इसलिए अब हमने 300 ईच लिया, तो हिसाब से हमें 1200 का पड़ा ये, तो थोड़ा 800 का फ़ायदा हो गया।
तो अभी मैंने सोचा मंदिर के सामने आता हूँ, यहाँ पे एंडिंग करता हूँ ब्लॉग की। और साथ में एक चीज़ और बोलना चाह रहा था मैं आपको कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, हर 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर में आपको होम स्टे मिल जाएंगे आराम से, तो इसलिए आराम से आ सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीच में रुकना है तो बीच में रुक सकते हो, वरना यहाँ पे तो काफ़ी सारे होम स्टे और होटल हैं। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अभी नींद भी बहुत आ रही है और साथ में हमें सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि हमारा प्लान है सुबह बूढ़ा मधमेश्वर जाने का। तो फिलहाल अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो नीचे एक लाल बटन दिया सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर दबा के चले जाना, जिससे दोबारा आप मेरी वीडियोज़ देख सको। और अभी ऐसे ही एपिसोड आते रहेंगे तो ऐसे ही बने रहना, और अगर ब्लॉग बन अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में या फिर फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय मधमेश्वर महादेव।